है गाइस, वेलकम टू DMTC मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके IOCL जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होने वाला है 29 तारीख को, इसके रिगार्डिंग ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है फॉर द मैकेनिकल्स। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पर आई कार्ड में मैंने लिंक दे दिया है, मस्ट वॉच करें, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अगर किसी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा विद सॉल्यूशंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म्स द बेसिक्स मेजरमेंट किसका होता है। तो आपको पता ही है कि जब टू बॉडीज अगर किसी तीसरी बॉडी के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो वहाँ पर आपको जीरोथ लॉ फॉलो करता है कि भी ये एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर को डिफाइन करता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। ये मैंने कल के पेपर में भी बताया था वीडियो में। तो इसमें एंथैल्पी चेंज नहीं होती है, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में अगर बात करें एप्लीकेशन बेस्ड, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जहाँ पर भी आपका पंक्चर देखने को मिलता है, जैसे बलून अगर बर्स्ट हो रहा है, ट्यूब अगर पंक्चर हो गया है, तो ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें एंथैल्पी डज नॉट चेंज होती है, मतलब DQ बराबर क्या होगा आपका, ज़ीरो होता है ना। यहाँ पे जो हीट इंट्रैक्शन है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन द थर्मोडाइनेमिक जो है कोऑर्डिनेट करती हैं। देखिए, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये पॉइंट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि इन्हें एक ही जगह से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, और ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, ओके, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ओके। क्वेश्चन, मैक्सिमम वर्क बाय द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन द क्लोज सिस्टम पॉसिबल व्हेन द प्रोसेस टेक प्लेस इन द कांस्टेंट प्रेशर। कहने का मतलब ये है, मैक्सिमम वर्क एक्सपेंशन प्रोसेस में कब पॉसिबल हो सकता है, जबकि आपका जो क्लोज सिस्टम है उसमें ये टेक प्लेस करे, तो यहाँ पर आपका प्रेशर का कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एप्पल है, लॉसेस आपका जो है 4.5 किलो जूल ऑफ हीट जो है एज इट कूल्स होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, ड्रॉप इन इट्स टेम्परेचर देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ द हीट लॉसेज फ्रॉम द जो कि एप्पल पर फारेनहाइट में अगर ड्रॉप होता है, तो इस टेम्परेचर, देखिए सीधा सा कंसेप्ट अगर यहाँ पे सवाल को इजीली समझ में आना है, तो डिग्री सेल्सियस में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो आपका 4.5 दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको आपको फारेनहाइट के अंदर बदलना है, ठीक है। तो सिंपल आपको वो फारेनहाइट वाली अगर इक्वेशन पता है, डेल्टा सी बटा 5 और डेल्टा एफ बाई 9, आप सिंपल सा वैल्यू रख लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा एफ यानी फारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 1.8 पर सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। अब सिंपल जो आपको वैल्यू दे दिया गया है 4.5 से, अगर आप 1.8 को डिवाइड करेंगे तो आपको 2.5 किलो जूल आंसर मिलेगा, जो कि आपका हीट लॉस होगा फारेनहाइट में, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4.18 होती है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर फॉर द सॉलिड और लिक्विड्स के लिए जो होती है स्पेसिफिक हीट वो तो एक ही होती है, जबकि आपके गैसेस के लिए दो स्पेसिफिक हीट होती है, एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बेंसन बॉयलर क्या होता है, इसमें आपका कोई भी ड्रम नहीं होता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको 10 में से 9 बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर का एक सीधा सा बोलता हूँ, कोक लंका में लोको कार, क्या बोलते हैं, कोक लंका में लोको कार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कॉर्निश कॉकरॉन बॉयलर, लैंकेशियर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और कार मतलब कार्निश बॉयलर। अब इसमें आपको सिर्फ कॉकरॉन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। और ये मल्टी ट्यूबुलर होता है, इंटरनल फायर ट्यूब बॉयलर होता है। हमारा नेक्स्ट ये क्वेश्चन कहता है, क्योंकि एक बॉयलर है जो प्रोड्यूस करता है 1000 किलोग्राम पर आवर की स्टीम विथ राइज इन द एंथैल्पी, आपको देखने को मिलता है स्टीम का 2500 किलो जूल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू की वैल्यू दे रखी है 30000 किलो जूल पर केजी एंड इट्स कंजप्शन जो होता है
है वो 100 किलो जूल पर आवर दिया गया है। तो आपको यहाँ पे बॉयलर की इफ़िशेंसी निकालनी है। चलिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको ये फॉर्मूला सीधे सीधे देखने को मिल रहा है, हीट सप्लाई टू द वाटर टू द हीट सप्लाई टू द बॉयलर, इसमें आपको ऊपर एम एस रखना है और डेल्टा एच रखना है, नीचे एम एफ रखना है और सी वी रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको डायरेक्ट इवोपरेशन मास दे रखा है तो एम एस अपॉन एम एफ यही होता है, ठीक है ना। और तो इसमें आप जब वैल्यू रख देंगे और इंटू 100 करेंगे तो इफ़िशेंसी आ जाएगी परसेंटेज में 83.33। तो आंसर इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट इवोपरेशन। ये मैंने नेक्स्ट इसीलिए रखा है ताकि आपको बॉयलर से कोई सा भी न्यूमेरिकल आए आप डेफिनेटली श्योरली अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको जो इक्विवेलेंट इवोपरेशन किलो जूल पर आवर किलोग्राम पर आवर है ऑफ द बॉयलर प्रोड्यूसिंग करता है 2000 किलोग्राम पर आवर, ठीक है। और इसके साथ ही स्टीम का विद द एंथैल्पी कांस्टेंट जो है वो 2426 किलो जूल पर केजी दिया गया है। फ्रॉम फीड वाटर एट द टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है तो लिक्विड की एंथैल्पी आपको 168 किलो जूल पर केजी दिया गया है। एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन क्या दिया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि आपका बराबर है किसके 2258 किलो जूल पर केजी इज़। तो देखिए आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो इक्विवेलेंट इवेपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम ई दिया रखा है ना, तो मैंने आपको बोल दिया था कि एम ई बराबर क्या होता है, ये होता है आपका एम एस अपॉन एम एफ, ओके। और यहाँ पर आपको एम ई दे दिया गया है एच माइनस एच एफ एंथैल्पी, डेल्टा एंथैल्पी जो दे रखी है वो लिखनी है और 2258 तो नीचे आएगा ही। अब सिंपल आपने यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ रख ली है, एच ये दे दिया एच एफ फीड वाटर जो दिया था एंथैल्पी वो आपका 168 दिया था और टोटल एंथैल्पी दे रखी है 2426। अब माइनस करना और 2258 से डिवाइड करना तो 2000 आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ नॉट अ बॉयलर एसेसरी। याद रखना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एसेसरी पे बनेगा और दूसरा आपके सेफ्टी डिवाइस जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर पूछा जाता है। तो बॉयलर में एसेसरी नहीं है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो इंजेक्टर सुपर हीटर फीड पम्प ये सब तो है बट सेफ्टी वाल्व्स नहीं है, है ना। और इसमें आप देख सकते हैं जो कि आपका एसेसरी में क्या आता है, फीड वाटर पम्प आता है, इंजेक्टर आता है, इकोनोमाइजर आता है, एयर प्री हीटर आता है और सुपर हीटर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर प्री हीटर ऑफ अ बॉयलर इज लोकेटेड बिटवीन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से ये होता है, ओके। तो यहाँ पर आपका एक फर्नेस, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर और चिमनी। एयर प्री हीटर का काम क्या होता है, एन एयर प्री हीटर टू रिकवर द हीट फ्रॉम द बॉयलर फ्लू गैसेस, जो फ्लू गैसेस होती है ना बॉयलर की उससे आपको हीट रिक्वायर मतलब जो है वापस से यूज़ करने के लिए रिकवर करने के लिए काम में लिया जाता है एयर प्री हीटर का। और ये क्या करता है, थर्मल इफ़िशेंसी को बढ़ा देता है बॉयलर की। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम स्टीम प्रेशर जो होता है इन बार में तो लोकोमोटिव बॉयलर इज़ लिमिटेड टू कहाँ तक होता है, तो इसमें 18 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन जो कि क्रिटिकल प्रेशर फॉर द स्टीम का क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ। तो 221 बार डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी याद रखना 374 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, ओके। और जहाँ पे अगर बात की जाए, ये तो आपका बता दिया स्टीम के लिए पॉइंट एट विच द लिक्विड एंड वेपर फेज होता है सब्सटेंस का मेट द कोल्ड इज क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये बात भी ध्यान रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है जो कि मॉलिकुलर डायग्राम प्लॉट करते वो किस किस के बीच में होता है, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन मैंने पावर प्लांट्स जनरेशन से उठाया है, थर्मल पावर प्लांट वर्क करते हैं किसके ऊपर, रैंकिन साइकिल पर। ऑल्सो अगर बात अगर आपको यूं भी कह दे कि स्टीम पावर प्लांट कौन सी साइकिल पर काम करते हैं तो रैंकिन साइकिल पर ही काम करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है रैंकिन साइकिल हैज़, ये होता है आपका टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और टू आइसोबेरिक या फिर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक स्टीम पावर प्लांट में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होती है इसे क्या कहते हैं, तो डीएरेशन कहते हैं, और इसके लिए हम डीएरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाइक आपका स्केवेंजिंग प्रोसेस होता है तो इसमें भी हम एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हैं और रिप्लेसिंग यहाँ पे फ्रेश एयर को जो गैसेस है उसको हम अंदर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक पावर प्लांट है विच यूजेज अ गैस टर्बाइन का इस्तेमाल करता है, तो इसमें जो
फॉलोइंग बाय स्टीम टर्बाइन फॉर द पावर जनरेशन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम कंबाइंड साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ए रीजनरेटिव स्टीम साइकिल रेंडर्स, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका डिक्रीज वर्क आउटपुट पर यूनिट मास ऑफ द स्टीम एज वेल एज आपका इंक्रीज द थर्मल इफिशियंसी बढ़ जाती है। यदि आप अगर रीजनरेटिव करते हैं स्टीम का तो यहाँ पर आपको वर्क आउटपुट कम करना हो जाएगा और थर्मल इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन रीजनरेटिव हीटिंग डैश द थर्मल इफिशियंसी ऑफ रैंकिन साइकिल, ये क्या करता है? तो ये बढ़ा देता है थर्मल इफिशियंसी को, अभी बताया। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है यह किसके बराबर होता है? तो 3.518 किलोवाट के बराबर होता है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है। 1 टन की जो आइस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के अंदर वाटर के अंदर 1 टन का वाटर के बराबर जो है कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें कितना बराबर होता है? 1 टन बराबर 2000 LB, और जिसकी लेटेंट हीट क्या होती है? 144 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर LB। अब जबकि आपका अगर 2000 × 144 लेटेंट हीट से मल्टीप्लाई करेंगे बटा 24 × 60 करेंगे तो आपको 200 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट देखने को मिलता है, और 1 टन बराबर आपका 3.5 किलोवाट मिलता है जो कि आपका 210 किलोजूल पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल कोलमैन साइकिल इज क्या होता है? रिवर्सिबल जूल साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द कॉफी COP ऑफ कारनोट हीट पंप दैट ऑपरेट्स बिटवीन जो -3 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए T1 तो आपको यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि होगा और जिसमें आपका 300 केल्विन आपको मिल जाता है। T2 की वैल्यू यहाँ पर 270 हो जाएगी। अब चूँकि आपको अगर फॉर्मूला पता है T1/T1 - T2 होता है तो वैल्यू आएगी 10, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ सेचुरेशन ऑफ एयर, मतलब टेम्परेचर किसका? सेचुरेशन एयर का, है ना, और या फिर पॉइंट बियॉन्ड विच एनी फर्दर कूलिंग वुड रिजल्ट इन कंडेंसेशन इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब आप कूलिंग करें वुड भी रिजल्ट क्या मिलता है? कंडेंसेशन इज कॉल्ड कहलाएगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यदि आपने हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट बहुत ईजी तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस ऑन द जो कि अनसेचुरेटेड एयर द पैरामीटर विच रिमेंस कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होते हैं? तो वेट बल्ब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा। जब कभी भी ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस होता है सेचुरेशन प्रोसेस में तो अनसेचुरेटेड एयर जो होगा उसका पैरामीटर रिमेंस कांस्टेंट होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रोसेस जनरली यूज इन द समर के अंदर कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? कंडीशनिंग टू कूल करने के लिए एंड डीह्यूमिडिफिकेशन द एयर के लिए, इस कॉल्ड कहलाता है आपका कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन थियोरिटिकली जो ऑपरेट होता है वो किस पे होता है? ऑटो साइकिल पर होता है। क्वेश्चन इन द ऑटो साइकिल में आर जो है वो कंप्रेशन रेशियो दिया गया है और गामा जो है एडियाबेटिक इंडेक्स है, रिलेशन बिटवीन द एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी होती है ऑटो साइकिल की, तो याद रखना ईटा बराबर क्या होता है? 1 - 1/r⁻γ-1, ये ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपका डीजल इंजन है कंप्रेशन रेशियो जनरली इन द रेंज ऑफ क्या होता है? 15 से 25 होता है, याद रखना ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। रेशियो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसे आप 1+ swept volume / clearance volume भी कहते हैं। द पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग गैप जो रहता है वो कितना होता है? तो याद रखना ये होता है आपका 0.60 mm का गैप रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडियल फ्लूड कौन सा होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस इनविस्कस होता है, ये दोनों इसमें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल फ्लूड के बताएं तो 0 विस्कोसिटी होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बल्क मॉड्यूलस इनफाइनाइट होना चाहिए, नो सरफेस टेंशन होना चाहिए, नो रेजिस्टेंस इन द फ्लो देखने का होना चाहिए, और जो कि नो इन द रियल फ्लूड में क्या होता है ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? तो ये बताता है आपका शियर स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो ऑप्शन डी राइट होगा। स्ट्रोक किसकी यूनिट होती है? तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है जो कि आपको देखने को मिलता है इसका यूनिट m² per second या फिर cm² per second या फिर इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो v = μ/dynamic viscosity/density, और इसके अलावा इसकी जो डायमेंशन होगी l² और
T-1 पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर क्या होती है, 1 होती है, याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जिसमें ए फ्लो है जिसमें क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड जो है नॉट कांस्टेंट होता है, तो ये अनस्टेडी होगा, जबकि अगर कांस्टेंट रहेगा स्टेडी कहलाता है। व्हेन द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप विल बी क्या होगा, 8 टाइम्स, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन पावर 3 के, अब 2 का इसके आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम है अराइज इन द कैविटेशन, तो ये क्या करता है, डैमेज भी करेगा, फॉल इन एफिशिएंसी भी दिखाएगा, नॉइज एंड वाइब्रेशन भी करेगा, तो ऑप्शन जो है वो आपका डी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि स्पेसिफिक स्पीड अगर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3/4 है, तो ये पंप की है, डबल सक्शन जो सेक्शन पंप है वो भी इवेल्यूएटेड करना है, द डिस्चार्ज वुड बी टेकन एज क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे होगा, याद रखिएगा, देखिए आपका जो कि एन एस बराबर क्या है, एन रूट क्यू बाई क्यू क्या है, डिस्चार्ज है, एच पावर 3/4 है, डबल सक्शन होगा तो यहाँ पर आपका क्यू बराबर क्या होगा, टोटल डिस्चार्ज बटा 2, तो इसीलिए आपका जो यहाँ पर टोटल डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज का दुगना मतलब हाफ ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज का देखने को मिल जाता है। क्योंकि फास्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपेलर विल हैव, इसकी जो ब्लेड होगी वो बैकवर्ड फेसिंग ब्लेड्स होती है। नेक्स्ट है जो कि यूनिट ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तो वाट पर एम के, याद रखना डायरेक्टली क्वेश्चन है, फॉरियर्स के लॉ से ये क्वेश्चन का निकल के आता है, और इसमें वाट पर एम के होगा, क्वेश्चन का जो होता है फॉर्मूला फॉरियर्स लॉ क्या कहता है, फॉर द कंडक्शन माइनस के ए डी टी बाई डी एस, रेट ऑफ डिस्चार्ज हीट ट्रांसफर रेट कह सकते हैं। मेटल्स हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, किसकी सबसे कम होती है, तो याद रखना ये होगा आपका ऑप्शन बी एयर की। थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की 2300 वाट पर एम के होता है, और ग्लास की 1.2 है, एयर की 0.024 है, वाटर की 0.60 है, और एस्बेस्टोस की 0.2 होती है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल डिफ्यूजिविटी किसकी जो है हाईएस्ट है, तो यहाँ पर बात करें तो ये होगा ऑप्शन डी सिल्वर का, सिल्वर की हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है कंपेयर टू अदर मटेरियल जो भी आपको अवेलेबल करवाया गया है, जैसे गोल्ड की यहाँ पे 127 mm² पर सेकेंड है, सिल्वर की 165 mm² सिलिकॉन की 88, स्टील की 11.72, एल्यूमिनियम की 97 और कॉपर की 111 है ना। बस याद रखना पाइराइट के लिए 1220 होता है mm² पर सेकेंड। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। चलिए नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलूँगा, जय हिंद जय भारत।